हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई से पैदल चले जोबा के युवक की अहमदाबाद में तबीयत बिगड़ने से मौत। लॉकडाउन के दौर की एक बुरी खबर आई है। मुंबई से पैदल चले जोबा के युवक की अहमदाबाद के निकट तबीयत बिगड़ गई। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ये खबर फैलते ही लोग सिहर उठे हैं। लॉकडाउन के चलते काम धंधे चौपट होने के बाद प्रवासी मजदूर लोग पैदल ही शहरों से अपने गाँव को निकल पड़े हैं। लेकिन इसी की एक दर्दनाक दास्तान सामने आई है। जोबा निवासी युवक हिम्मत राम पुत्र पाबू राम भीमा रायका को दुकान मालिक ने पगार देने को मना कर दिया तो 17 अप्रैल को मुंबई से पैदल ही चल पड़ा। इसके बाद वो 7 दिन तक कभी सड़क तो कभी रेल पटरियों के सहारे चलता रहा। अहमदाबाद पहुंचते पहुंचते उसके पैर जवाब दे गए। अहमदाबाद में ही उसका एक भाई छोगा राम मिठाई की दुकान पर काम करता है। उसने बताया कि जब उसे पता चला कि वो पैदल आ रहा है और बीमार हालत में है तो अहमदाबाद में रह रहे अपने घर ले आया। लेकिन इस दरमियान तबीयत बिगड़ती गई तो उसने सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। 20 दिन बाद गुरुवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। सादड़ी सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र पुनिया ने बताया कि पैदल चलने से उसकी हालत खराब होती गई। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से उसका शव जोबा लाया गया। भाई छोगा राम ने बताया कि जोबा में उसका शव घर नहीं ले जाकर सीधे शमशान घाट जाकर वहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिछले साल ही उसका विवाह हुआ था। मृतक मुंबई के डोंबिवली इलाके में मिठाई की दुकान पर काम करता था। मृतक के 3 भाई है, वे भी महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर नौकरी करते हैं। 2 भाई लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में फंस गए और उसे भी शुक्रवार को सादड़ी में निर्धारित आश्रय स्थल पर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। मेरा भाई का नाम इमताराम है, मेरे पिताजी का नाम पाबूराम जी है। मेरा भाई बॉम्बे में नौकरी करता था डोंबिवली में, तो ये लॉकडाउन होने से वहाँ मना कर दिया कि पगार वगैरह कुछ मिलेगा नहीं। मैं अहमदाबाद रहता हूँ तो वहाँ वो लोग चलते चलते मुझे पता ही नहीं और वहाँ चलते चलते वहाँ तक आए और वहाँ आके वो बीमार पड़ गया, वो ठीक नहीं हुआ और मेरा भाई मर गया। इधर ये खबर फैलते ही जोबा में शॉक की लहर फैल गई। वहीं इस बुरी खबर से क्षेत्र के लोग सिहर उठे हैं। सादड़ी से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।